हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कौशिक एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर में स्वागत करता हूँ। आपको मालूम है हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के हम 7 क्वेश्चंस इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया वो इनसे पहले वाली वीडियोज़ मेरी देख कर सकते हैं। तो चलिए अब हम NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स बोलिए, एलिमेंट्स बोलिए या ऑब्जेक्ट्स बोलिए। गिवन बाय आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो आर है किसको डिनोट कर रहा है, रिलेशन को, ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए वन। ये जो साइन होता है इसको मोडुलस का साइन बोलते हैं हम। तो ये साइन क्या हो गया आपका, मोडुलस का साइन। तो मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए वन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर्स बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी आपकी। तो क्वेश्चंस क्या देखो, क्वेश्चन समझिए सबसे पहले, क्योंकि मैथ्स में अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, तो 50% तो क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाते हैं। तो इसको एक बार देखिए फिर से। इसने कहा है कि मान लीजिए मेरे को कोई भी सेट दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं ये आपके सामने, और आर एक रिलेशन है, मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, ए वन। ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव भी हो जो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो। उसके बाद यहाँ तक प्रूव करने के बाद आपको ये दो सेट और दे दिए जिसके एलिमेंट्स दे दिए, ये चेक करना है कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है, और ये खुद के साथ भी रिलेटेड है या नहीं है, रिलेटेड टू ईच अदर है या फिर आपस में एक दूसरे के साथ भी रिलेटेड है या नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसमें हम इन बातों को समझते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसका आंसर देखिए, आपको ये गिवन है सेट ए, इसके एलिमेंट भी, आर आपको ये रिलेशन भी गिवन है। अब सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूँ इसकी, फॉर रिफ्लेक्सिव के रिलेशन के। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने क्या लिया कि हमने यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, ए से, स्मॉल ए से। स्मॉल ए इज़ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो स्मॉल ए, स्मॉल ए की वैल्यू इस सेट, जो सेट है ए, इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी कि ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इंडिविजुअली अलग अलग लेने से हमने यहाँ पर एक ये आर्बिटरी, ये एक वेरिएबल ले लिया स्मॉल ए। तो ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, वी हैव ए माइनस ए, मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन डिफाइन क्या हुआ, ए माइनस बी, तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर था ए कॉमा बी, तो दोनों के एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी आपका, बी बी आपका ए हो जाएगा, क्योंकि आपने एक कंडीशन पढ़ी है कि जो आपका ए कॉमा ए होगा वो बिलोंग्स होना चाहिए किससे, आर से। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आपका क्या हो जाएगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, एंड 0 इज ऑल्सो ए इवन नंबर विच इज इवन, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो आप कैसे लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट एनी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वी हैव मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 और विच इज इवन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिकॉज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये सब के लिए बात क्या है, ट्रू है, इसलिए कौन सा रिलेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा आपका ये। अब रिफ्लेक्सिव की बात पढ़ते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट ले लेते हैं। तो अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर बनाऊँ तो इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे ए क्रॉस ए के 1, 1, 1, 2, ऐसे ही 1, 3 और ऐसे ही 1, 5 तक, फिर 2 के साथ सभी आ जाएंगे ये। तो आपने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया, आप इससे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेप क्या, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, कि ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट हो गए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए।
ए से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और ए क्वार्टर पेयर है, ए कोमा बी जो इस बिलोंग्स कर रहा है इसे आर से, इस रिलेशन से, ये ए कोमा बी इस कार्टिजन प्रोडक्ट से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो आपका बी कोमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए इससे, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो अब a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इट मीन्स मोड ऑफ a माइनस b इज इवन, क्यों, क्योंकि ये मुझे रिलेशन दे रखा था कि a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज इवन। अब b माइनस a भी इवन आना चाहिए। अब इसमें से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का साइन कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका माइनस कॉमन लेने के बाद जो ये पॉजिटिव का है ये आपका नेगेटिव का हो जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव का, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आपका आना था यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के बाद b माइनस a, और फिर इसका मोड, अब मोड ऑफ माइनस b माइनस a किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ b माइनस a, क्योंकि आपको पता मोड ऑफ फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो अब मोड ऑफ b माइनस a आपका आ गया, तो इट मीन्स b कॉमा a इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r से, सो r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए r कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो अब हम इसके ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चेक करते हैं इसको। अब तीन एलिमेंट ले लेंगे ट्रांजिटिव के लिए, क्या इससे पहले आप एक स्टेप लिख सकते हैं ट्रांजिटिव से प्रूफ करने से पहले, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, फिर यहाँ से भी आपने एक ऑर्डर पेयर क्या लिया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड दूसरा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो जो रिलेशन था वो डिफाइन होगा, मोड ऑफ a माइनस b इज इवन एंड मोड ऑफ b माइनस c इज इवन। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ a माइनस b और b माइनस c को, तो b से b कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि ये b माइनस का और ये प्लस का, तो क्या रहेगा a माइनस c, और a माइनस c इज ऑल्सो इवन, क्योंकि अगर हम किसी भी दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, इवन नंबर से ही मिलता है, तो ये कितना आ गया मोड ऑफ a माइनस सी आ गया, ये भी क्या आएगा इवन, तो इट मीन्स a माइनस सी बिलोंग्स टू क्या करेगा r से, तो ये ऑर्डर पेयर भी इसमें इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो r कौन सा रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब जो रिलेशन आया आपका r वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में पहली चीज़ अपनी प्रूफ होगी कि मुझे ये जो r रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन में जो सेकंड बात पूछी गई है वो और देख लेते हैं, और क्या पूछा था इसमें, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये कि मिसप्रिंट है, इसमें सेट 1, 2, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आना था सेट 1, 3, 5। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला प्रूफ देख लीजिए, नाउ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर ओड। अब ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, ओड है, इसलिए एक दूसरे से क्या रिलेटेड होंगे। रीजन क्योंकि मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी इवन, क्योंकि जब भी हम किसी भी दो ओड नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका मॉडुलस देते हैं तो कैसा आएगा, इवन आएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, मोड ऑफ 1 - 3 किसके को आएगा, मोड ऑफ -2, और मोड ऑफ -2 इज इक्वल टू आएगा +k2। ऐसे 3 - 5 कितना आएगा, वो भी +k2। 1 - 5 +k4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये ईच एंड एवरी एलिमेंट इसके इस ऑर्डर पेयर के एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे इवन आएंगे, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। इसी में आपका अब सेकंड आता है, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर इवन। अब ये सारे के सारे इवन है, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इनका मॉडुलस भी क्या आएगा, इवन ही आएगा, क्योंकि ये बनेंगे इनके ऑर्डर 2, 4 और 2, 2 4, 4 और 4, 2। अब मोड ऑफ 2 - 4 इज इक्वल टू मोड ऑफ -2, मोड ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल टू +k2। तो ये भी सारे इवन ही आएंगे, इसलिए ये भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे आपके।
अब इसके बाद also no element of the subset 1, 3, 5 can be related to any element of 2, 4 as all element of 1, 3, 5 are odd and all element of 2, 4 are even. Thus the modulus of the difference between the two elements will not be even. क्योंकि इसके ये सभी ओड है और ये इवन है. अगर मैं ओड नंबर में से इवन नंबर को लेस करता हूँ तो मुझे इवन नंबर नहीं मिलेगा. इसलिए ये दोनों एलिमेंट जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होंगे. तो क्लियर. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड. कैपिटल जेड का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर such that 0 less than equal to x less than equal to 12 given by r is equal to first part karna aapko a comma b such that mod of a minus b is a multiple of 4 aur second part karna aapko r is equal to a comma b such that a is equal to b is an equivalence relation yani ye dono equivalence check karna hai reflexive symmetric aur transitive honge to equivalence and find the set of all elements related to one in each case. kya हर एक एलिमेंट जो होगा ऑल द सेट ऑफ ऑल फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. इससे वन से रिलेटेड भी होंगे या नहीं होंगे. तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए. पहले यहाँ पे है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12. इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी होगी और 12 भी होगी, दोनों इंक्लूड होंगे ये. तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे. तो सबसे पहले जो आपको सेट ए दिया हुआ उसको आपने ओपन कर लिया. एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, 1, 2 12 तक हो जाएंगे. फर्स्ट केस हम कर रहे हैं ए कॉमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. अब यहाँ से हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए विच इज़ बिलोंग्स टू सेट ए. आप इस ए की जगह पे इसको एक्स भी लिख सकते हैं. एक्स बिलोंग्स टू सेट ए यानी कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है. यहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिया तो स्मॉल ए की वैल्यू इस सेट में से कुछ भी हो सकती है. अब वी हैव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एज मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमने पढ़ी थी. इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए देन ए कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. ये इस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है इसलिए कौन सा रिलेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा. अब ये सेकंड है आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन. इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए. ये किससे बिलोंग कर रही है, सेट ए से. अब इसमें पहला ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए आपको यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और फिर आपको बी कॉमा ए बी इसमें अगर मिल गया तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. अब लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ये तो हम लेके चले. अब इसमें से माइनस में अगर साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी ये मिसप्रिंट है. यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा और फिर इसका मोड. अब नेगेटिव साइन मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा. क्या आएगा, मोड ऑफ बी माइनस ए. तो मोड ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 4. तो इसका मतलब बी कॉमा ए बी से बिलोंग कर जाएगा. किससे, इस रिलेशन से. तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे. ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट लेंगे, 3. कौन कौन से ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए. आप इससे पहले एक स्टेप और लिख लें कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए. उसके बाद ये लिखेंगे हम देन ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड मोड ऑफ बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. अब a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 है और b माइनस सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस सी. क्योंकि ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी मिलेगा और a माइनस सी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा. तो इट मीन्स मोड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r. सो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन. अब r जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, इसलिए कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा. तो इसमें फर्स्ट केस हमने प्रूफ कर दिया. अब सेकंड केस की बारी है. अब मुझे इसमें देखना था कि सेट ए के कौन से एलिमेंट वन से रिलेटेड है. द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज 1, 5, 9. ये एलिमेंट होंगे उस सेट में से 1, 5 और 9. कैसे, ये देखिए. आप देखिए, अब जैसे
आपको इसमें से ये देखना है कि किसके लिए ऑर्डर पे मल्टीपल ऑफ फोर आ जाए। अब जैसे वन इज़ रिलेटेड टू फाइव का, तो वन कोमा वन एक ऑर्डर पेयर आएगा इस रिलेशन में, और मोड ऑफ वन माइनस वन कितना आएगा, जीरो। जीरो इज़ ए मल्टीपल ऑफ फोर। अब आपके पास फाइव कोमा वन ऑर्डर पे आया, तो फाइव माइनस वन कितना आएगा, फोर। फोर इज़ अ मल्टीपल ऑफ फोर। अब वन माइनस फाइव करेंगे तब भी प्लस का फोर ही आएगा, और नाइन माइनस वन करेंगे कितना आएगा, एट। एट इज़ ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ फोर, और वन माइनस नाइन करेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, एट मिलेगा। इसके अलावा वन का किसी और के साथ करते हैं, अगर वन और सिक्स करते हैं आप, तो कितना आता, मोड ऑफ वन माइनस में सिक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस फाइव, और मोड ऑफ माइनस फाइव कितना आता, प्लस के फाइव। एंड प्लस का फाइव जो है वो मल्टीपल नहीं है किसका, फोर का। मुझे बस इसमें से वही लेना है जो फोर के मल्टीपल है। तो इन वन फाइव और नाइन के अलावा कोई भी फोर के मल्टीपल नहीं आएंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसलिए वन से रिलेटेड कौन होगा, वन फाइव और नाइन होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए वी हैव, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक नंबर अपने आप के तो इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए था कितना, जीरो से लेके ट्वेल्व तक। अगर मैंने यहाँ से ये स्मॉल ए की वैल्यू कुछ भी ले ली, इसमें से मान लो एट ले ली, तो एट कोमा एट जो है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। होगा क्यों, क्योंकि मेरे पास रिलेशन ये कंडीशन है, तो एट इज इक्वल टू एट विच इज़ ट्रू। सो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर अब मैं सिमेट्रिक की बात करूं, तो सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट लेंगे। वही इससे पहले आप क्या लिख लोगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो जब ए बी के इक्वल है तो बी ए के भी इक्वल होगा, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। तो बी ए के इक्वल होगा तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए अपने पास तीन एलिमेंट ले लेंगे हम। लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा ये ऑर्डर पेयर। एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखे तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। जब ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। और ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो आर कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब इसमें भी वन से रिलेटेड देख लेते हैं। द एलिमेंट इन आर दैट आर रिलेटेड टू वन विल बी दोज एलिमेंट फ्रॉम सेट ए विच आर इक्वल टू वन। तो वो क्या होगा, एंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि वन ही वन के इक्वल है और कोई नहीं होगा। क्योंकि वन से रिलेटेड तो कौन होगा, जो इसके इक्वल होगा, और इसके इक्वल कौन है, वन ही है, और किसी के इक्वल नहीं होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। ये सब पार्ट करने हैं आपको, ये आपको खुद करने हैं, बिल्कुल ईजी हैं। आप देख सकते हैं इस पर, लेट ए इज इक्वल टू फाइव कोमा सिक्स कोमा सेवन, ये हमने कोई सेट ले लिया, आर कोई रिलेशन ले लिया, आर इज इक्वल टू ले लिया फाइव कोमा सिक्स कोमा सिक्स कोमा फाइव। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मुझे सिमेट्रिक बताना था ना, रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव। अब ये जो है फाइव कोमा सिक्स और सिक्स कोमा फाइव है इसमें, लेकिन फाइव फाइव नहीं है, सिक्स सिक्स नहीं है, सेवन सेवन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि फाइव कोमा सिक्स है, सिक्स कोमा फाइव है, लेकिन फाइव 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 कोमा फाइव नहीं है, बट ये सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि फाइव कोमा सिक्स और सिक्स कोमा फाइव भी इसमें, ए कोमा बी है और बी कोमा ए बी आर है। तो ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख लिए इसको, और फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल इजी है, बस इसमें एग्जांपल देना है, आप कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं।
11th question kya aapka, show that the relation r in the set a of point in a plane given by r is equal to p comma q such that a distance of a point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin. कि ओरिजिन से जो पी का और क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है, मुझे सेम दिया हुआ है, ये इस रिलेशन आर में दिया हुआ है, और ए क्या दिया है, सेट ऑफ फोर पॉइंट्स दिया हुआ है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. कैसा प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर. और ये इसका सेकेंड पार्ट मुझे प्रूफ करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, जो P से जितने भी पॉइंट्स रिलेटेड है जहाँ पर जो P है वो ओरिजिन पे नहीं हो सकता, बस P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 ये किसके कोऑर्डिनेट को दिखाता है, ओरिजिन को. इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर. जो सर्कल बनेगा वो किससे पास आउट होगा, P से पास आउट होगा, और जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आंसर देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, लेट P is belongs to set A. तो P कॉमा P belongs to R होना चाहिए. तो ये R जो रिलेशन दे रखा है वो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये पहले ऊपर भी डिस्कस हो चुका है. और रिफ्लेक्सिव के लिए लेट P belongs to set A, देन P कॉमा P belongs to R. और ये बात ट्रू होगी क्योंकि सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज ऑलवेज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन. इस बात को देखिए, ऐसे समझिए, मैं कहता हूँ कि भाई मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया अपने पास, ये इसका ओरिजिन हो गया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो गया P. अब ये P पॉइंट O से जितने दूरी पर, मैं कहूँ ये P पॉइंट, ये अपने आप से तो सेम ही दूरी पर है ना, तो ये तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो इसलिए ये बात क्या होगी, ट्रू होगी. तो प्रत्येक पॉइंट के लिए बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा. और इसको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सिंपल सी बात है, जो ये इस आपको यहाँ पे इस रिलेशन में दे रखे ना, यही बात आपको डिटो उतारनी है बस नीचे. जैसे मैंने लिखा था P belongs to set A, then P comma P belongs to R, और रीज़न क्या लिख दोगे, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, लिख देना आप फ्रॉम द ओरिजन. तो फिर उसके बाद लिख देंगे विच इज ट्रू, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब इसका सिमेट्रिक के लिए, अब सिमेट्रिक के लिए हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिया, लेट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ए दिया हुआ है, तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर है, तो क्यू कॉमा पी भी इससे बिलोंग होना चाहिए. तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, वही बात जो रिलेशन में लिखी हुई एज इट इज, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन इम्प्लाइज दैट. मैंने कहा कि जो ओरिजिन से जो P का डिस्टेंस है वही Q का डिस्टेंस है, नहीं, इस बात को ऐसे लिख दो आप, डिस्टेंस ऑफ ओ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इफ ओ इज द ओरिजिन. तो या फिर इस बात को मैं ये भी ले सकता हूँ, जब ओ पी ओ क्यू के इक्वल है तो ओ क्यू जो है वो ओ पी के भी इक्वल होगा. तो यही बात लिखें यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. तो इसका मतलब Q कॉमा P इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन. अब ट्रांजिटिव के लिए हम तीन पॉइंट ले लेंगे, कौन कौन से, पी क्यू और इसने एस लिया, तो एस ले लो क्योंकि आर हमारे पास रिलेशन है, बिलोंग्स टू आर. फिर वही दो ऑर्डर पेयर, पी कॉमा क्यू एंड क्यू कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड एस फ्रॉम द ओरिजन इज सेम. तो इसका मतलब जब ओ पी का डिस्टेंस जो है वो ओ क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है, और ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो ओ एस के इक्वल है, ओ पी ओ क्यू के इक्वल, ओ क्यू ओ एस के इक्वल, तो ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एस के. तो इट मीन्स पी कोमा एस बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इसलिए आर कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस, क्योंकि आर जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए कौन सा रिलेशन होगा, इक्वल. तो अब इसमें थर्ड, इसमें सेकंड पार्ट क्या था, ये कि मुझे ये प्रूफ करना था कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 विल बी दोज पॉइंट इज द पी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद द ओरिजिन एज सेंटर. तो ये देखिए इसका प्रूफ,
the set of all points related to P is not equal to 0, 0 will be those points whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin. In other words, आप क्या कह सकते हो कि O मेरे पास origin है, 0, 0 is the origin and OP is equal to K. मैंने origin से P point का जो distance K मान लिया. Then the set of all points related to P, जो भी points किस से related है, P से related है, is at distance of K from the origin. उन सब का जो distance है origin से वो किसके equal होगा, K से equal होगा, क्योंकि OP is equal to K है. तो जो भी P से related है उन सब का distance origin से कितना होगा, K ही होगा. जब किसी का भी origin से distance same हो, उसके चारों तरफ जितने भी points है, तो वो क्या बना देता, circle बना देता. Hence this set of points form a circle with the center as origin and this circle passing through point P. और वो जो circle बने हो किस point से pass out होगा, P से होगा. यही मुझे इसमें proof करना था. अब next 12th question आता है, बिल्कुल simple है ये, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. Show that the relation R defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence. और इसके बाद इसका ये second part करना, पहले हम इसका first equivalence ही कर लेते हैं. वैसे ही करना जैसे अब तक सभी question किया आपने, for symmetric, symmetric के लिए, for reflexive, reflexive के लिए एक हम कोई भी triangle ले लेंगे, किससे, set of all triangles से, set of all triangle है A. तो T1 मैंने कुछ भी ले लिया जो belongs कर रहा है set A से, T1 एक कोई भी triangle ले ली, तो T1, T1 belongs to R करना चाहिए. करेगा ये क्यों, क्योंकि प्रत्येक triangle अपने आप के तो similar होता है, हर कोई अपने आप के similar होता है, इसलिए कौन सा relation हो जाएगा, reflexive हो जाएगा. तो R is reflexive, every triangle is similar to itself, सभी triangle अपने आप के similar होती है. symmetric के लिए दो triangle ले लेंगे हम, कौन कौन सी, T1 और T2, किससे बिलोंग कर जाएगी, सेट ए से. अब एक पॉइंट आपका एक ऑर्डर पे T1, T2 बिलोंग्स टू R है, T1, T2 के सिमिलर, तो इसका मतलब T2, T1 के भी सिमिलर होगी, तो इंप्लाइज दैट T2 सिमिलर टू T1, तो T2, T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और R कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक. ऐसे अब ट्रांजिटिवली हम तीन ट्राइंगल ले लेंगे, T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट ए. अब T1, T2 एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R है, तो T1, T2 के सिमिलर एंड T2, T1 के सिमिलर, T3 के सिमिलर. जब T1, T2 के और T2, T3 के, तो T1 किसके सिमिलर हो जाएगा, T3 के, और T1, T3 बिलोंग्स टू R. R कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. तो R क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी. अब इसने आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था उसने, अब ये देख लेते हैं. Consider three right angle triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and with T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? इनमें से कौन से triangle जो एक दूसरे से, अब ये equivalence तो हो गया, related देखनी थी. अब ये क्या दे रखी है, सिमिलर ट्राइंगल कौन सी होती है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, जिनकी रेशियो सेम होती है जिनकी साइड्स की, वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाती है. अब उन दोनों तीनों ट्राइंगल्स में देख लो रेशियोज किसकी सेम है. T1 वाली की साइड दे रखी थी आपको 3, 4, 5 और T2 ट्राइंगल की साइड आपको दे रखी थी 5, 12 और 13 और T3 की आपको साइड दी हुई है 6, 8 और 10. अब 3/5 जो है वो 4/12 के तो इक्वल नहीं होता, 5/6 भी 12/8 नहीं होता, लेकिन 3/6 कितना होगा, 1/2 और 4/8 कितना होगा आपका, 1/2, 5/10 भी कितना होगा, 1/2. तो इसका अंदर T1 और T3 जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगी यहाँ पर. और रीजन क्या लिख दोगे, द क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशियो, सो T1 इज सिमिलर टू T3 और T1 इज रिलेटेड टू T3. तो चलिए अब हम 13 क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स आर इज इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड इज इक्विवेलेंस. व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5. राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5.
5, बिल्कुल सेम जैसे T1 और T2 सिमिलर गया था, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब ए क्या दिया, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स दे दिया। तो ये आप कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बिल्कुल ईजी है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे मैंने ऊपर सिमिलर वाला बताया, बिल्कुल डिटो ऐसे ही करना आपको, आप इसको एक सेकंड देख भी सकते हैं। अब इसका बस हम जो सेकंड चीज थी उसको चेक कर लेते हैं। तो द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड 3, 4 एंड 5 आर दोज पॉलीगन विच हैव थ्री साइड, सिंस टी इज अ पॉलीगन विथ साइड विथ थ्री साइड एंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हो जाएगा ये। चलिए अब 14th क्वेश्चन करते हैं हम इसका। 14th भी ईजी है बिल्कुल, देख लीजिए। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। L1 किसके पैरेलल है, L2 के रिलेशन है, इक्विवेलेंस चेक करना है। एंड फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन Y इज इक्वल टू 2x+4। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ऐसा एक एग्जांपल भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें यहाँ पर ये पैरेलल है, उसके अंदर क्या है परपेंडिकुलर है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो ले लिया हमने, लेट L1 बिलोंग्स टू सेट, जो आपके पास प्लेन दे रखा है, प्लेन के लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस है तो L1 बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, एल से, क्योंकि सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या है, कैपिटल एल है। तो L1 बिलोंग्स टू एल हो गया, तो L1, L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इट मींस क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L1, तो L1 जो L1 के पैरेलल ही होती है, बट ट्रू है, तो L1, L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। कौन सा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव। आप सिमेट्रिक की बात करेंगे तो L1, L2 बिलोंग्स टू A हो जाएगा, दो लाइनें ले ली, L1, L2 बिलोंग्स टू R है, तो L1, L2 के पैरेलल, तो इसका मतलब L2, L1 के भी पैरेलल होगी, और L2, L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए तीन लाइनें लेंगे हम, तो हम ले लेंगे वो L1, L2 और L3 बिलोंग्स टू सेट L, सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या दे दिया, कैपिटल L, तो L1, L2 एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R हो गया, तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब ये तीन लाइनें दे दी मुझे L1, L2, L3। अब L1, L2 के पैरेलल और L2, L3 के पैरेलल, तो इसका मतलब ये पहले वाली इस L3 के भी पैरेलल हो जाएगी, तो L1, L3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, तो कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट था अपना, वो और देख लेते हैं। अब क्या था कि जो सेट ऑफ ऑल लाइंस है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x+4, यानी कि इसके पैरेलल होने चाहिए वो, देख लीजिए आप। द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x+4 इज द सेट ऑफ लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x+4। इसके लिए क्या कंडीशन होती है पैरेलल के लिए, प्लस वन क्लास में पढ़ा, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस क्या आ जाएगा, k लिख दो या c लिख दिए, लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, तो इसका जो स्लोप है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx+c। तो m यहाँ पर इसके लिए तो किसका, 2 का काम करेगा, तो लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, तो ये लाइन है इसके पैरेलल, कौन कौन सी लाइन होंगी, वो होगी लाइन आपकी y इज इक्वल टू 2x+c, c इज एनी आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x+4, m 2 हो गया। इट इज नोन दैट पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप्स, द लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 2x+c, इस फॉर्म में हो जाएगा, c इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, हैज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इज रिलेटेड टू गिवन लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x+c हो जाएगा, वेयर c बिलोंग्स टू R। तो चलिए अब नेक्स्ट 15th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि अब बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय R, ये इसके ऑर्डर पेयर दे दिए, चूज द करेक्ट आंसर।
ए क्या दे दिया, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इसको देख के बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव नहीं है। ऑप्शन बी जो है ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सी ऑप्शन है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और डी ऑप्शन है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देख लीजिए इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 आना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए आप कि आपके पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो हैगा ये। अब उसके बाद हम सिमेट्रिक की कंडीशन चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी 2 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए 1 2 है, 2 2 है तो ये 1 2 भी आ रहा है इसमें, ये भी होगा। और कोई चेक, ये वाला 1 3 है, 3 3 है, 1 3 आना चाहिए, 1 3 भी आ रहा है, 3 3 है, 3 2 है, 3 2 भी आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। रीज़न क्या लिख दोगे, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, तो ये आप रीज़न लिख सकते हो सारा जो लिखा हुआ है, तो आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू वेयर बी इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, ए जो है 2 4 है, ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर करेगा, 3 8 बिलोंग्स टू आर करेगा, या 6 8 करेगा, या फिर 8 7। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। और क्वेश्चन क्या दे रखा था, आर रिलेशन दे रखा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे, आर क्या रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू वेयर बी ग्रेटर देन 6। तो इसमें ये देख लीजिए बी की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, और ए जो है वो किसके कॉलम से, बी माइनस टू के, तो ऐसा ऑर्डर पेयर देखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें से जो है आपके पास ये जो पहला ऑर्डर पेयर है ये तो आपका रिजेक्ट ही हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो सेकंड नंबर पे जो पोजिशन पे एलिमेंट है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 है, ये तो हो नहीं सकता इसमें। और उसके बाद इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब इन तीनों में से भी एक कौन सा होगा जिसमें ए जो है वो किसके कॉल है, बी माइनस टू के। तो इट मीन्स अगर पहले वाले के लिए मैं 8 लूँ तो मेरे पास ए इज इक्वल टू क्या आया, 8 2, और 8 2 कितना आ गया, 6। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 6। तो फर्स्ट पे इसमें ऑर्डर पेयर पे 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये सी वाला चेक कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, इस पे 8 8 2 किसके को लगा, ए इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब 6 आना चाहिए इसके ऊपर, फर्स्ट पे 6 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैथ स्टडी स्टेशन विद PKSir। और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।